దేశవ్యాప్తంగా నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాలను అమలుపరుస్తూ జాతీయ ఐక్యత కోసం అవిరళ కృషి చేస్తున్నారు భజరంగ్ దళ్ అధ్యక్షులు శ్రీ సోహన్ లాల్ సోలంకి గారు వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం భక్తి టీవీ కే ద్వారా ఆయోజిత కోటి దీప్ మహోత్సవ్ में उपस्थित पूज्य संतों के चरणों में वंदन। संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा अद्वितीय दिव्य और भव्य आयोजन के लिए भक्ति टीवी के श्रीमान नरेंद्र जी चौधरी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने ऐसी भारत की सत्य सनातन संस्कृति की धारा को पिछले 8 वर्षों से और प्रतिवर्ष 15 दिनों तक लगातार भारत की भक्ति की धारा को, धर्म की धारा को प्रवाहित किया है। मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये कोटिदीप महोत्सव पिछले 9 नवंबर को भारत के अंदर प्रत्येक घर के अंदर दीपक जला, 491 वर्ष का संघर्ष, लाखों बलिदान, 77 लड़ाइयों के बाद अयोध्या में राम जी के भव्य मंदिर के मार्ग का प्रशस्त हुआ है। अब राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण होगा, मैं आप सबको उसकी बधाई देता हूं। हम उस सत्य सनातन संस्कृति के संवाहक हैं जहां हमारे पुरखों ने अंधेरे से लड़ने के लिए दीपक को जलाने की प्रेरणा दी है, अस्तो मां सदगमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रेरणा दी है। हम उस सत्य सनातन संस्कृति के लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने इस धरती को, वसुंधरा को एक कुटुंब, एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा दी है। हम उस सत्य सनातन संस्कृति के लोग हैं जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया का मंत्र दिया है। हम उस सत्य सनातन संस्कृति के लोग हैं जहां आज भी मंदिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया के साथ विश्व के कल्याण की कामना, विश्व के कल्याण होने की कामना हमारे देश में आज भी की जाती है। हम उस सत्य सनातन संस्कृति के लोग हैं कि नदियों में बहने वाले पानी को हमने H2O नहीं देखा, हमने उस नदियों में अपनी माँ के दर्शन किए हैं, हमने गंगा और यमुना को, नर्मदा को अपनी माँ कहा है। हम उस सत्य सनातन संस्कृति के लोग हैं जो एक तुलसी के पौधे को भी हमने अपनी माँ कहकर पूजा की है, उसके सामने रोज दीपक जलाया है। हम उस सत्य सनातन संस्कृति के लोग हैं कि हमने एक गाय माता को, जिसको लोग पशु कहते होंगे, हमने उसको भी अपनी माँ कहा है और 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हमने उस गाय माता में किए हैं। दुनिया के अंदर लोग अपने देश की पूजा कर, अपने देश को मानते होंगे, लेकिन हम लोग अपने देश की पूजा किया करते हैं। दुनिया में आज तक अमेरिका माता नहीं होती, दुनिया में आज तक चीन माता नहीं होती, हम उस महान देश के लोग हैं जो इस देश को अपनी माँ कहते हैं और उस भारत माता की जय कहने मर गौरव की अनुभूति करते हैं। और जब भारत माता की जय कहते हैं तो जय कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की, जय कहते हैं सत्य सनातन संस्कृति की, जय कहते हैं पूज्य संतों की, जय कहते हैं उन सबकी, उन बलिदानियों की, क्रांतिकारियों की, जिन्होंने इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करके अपने जीवन अर्पित किया, उन सब की जय होती है जब हम भारत माता की जय कहते हैं। और इसलिए ये कोटिदीप महोत्सव, ये भारत की संस्कृति को, भारत ही तो वो देश है जिसने दुनिया को ज्ञान का दीपक जलाया, दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। दुनिया की पहली पुस्तक किसी अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं, हमारे पूर्वजों ने लिखी, जिसको ऋग्वेद कहते हैं। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने खोला, जो आज पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाला भारत विश्व गुरु भारत था। आज इस कोटि महायज्ञ दीपोत्सव के आयोजन से ये प्रकाश, ये लाखों दीपों का प्रकाश पूरी दुनिया में प्रकाशित होगा और भारत की सत्य सनातन संस्कृति, दुनिया को जी और जीने दो की संस्कृति, भोग विलास में और आतंक के त्रस्त इस संस्कृति को, ये भारत की सत्य सनातन संस्कृति ही दुनिया को शांति का संदेश दे सकती है। आइए हम सब भी अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन जिए, अपनी मातृभूमि के लिए, भारत जैसे अंधेरे से लड़ने के लिए प्रकाश चाहिए। अंधकार की रात दूर होती है जब सूर्य उदय होता है। आज भारत की अंधेरी रात छट चुकी है, माँ भारती फिर से उठकर खड़ी हो गई है। जो भारत कभी विश्वगुरु था, वो भारत फिर से उठकर विश्वगुरु बनने के लिए तैयार है। आइए हम सब
भारत की संस्कृति, भारत देश को और भारत के समाज को गर्व करें। हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम तक और जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारिकापुरी तक फैली हुई सहस्त्रजन भारत भूमि हमारी माँ है, हम सब इसके बेटे बेटियाँ हैं। भारत उठकर खड़ा हुआ है, फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। मैं इस आयोजन के लिए फिर से इस भक्ति टीवी को और माननीय नरेंद्र जी चौधरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद। मन देश संस्कृति प्रपंचा की शांति चकूरतनी श्री सोहन लाल सोलंकी गारु अद्भुत प्रवचना वारी की धन्यवाद।